हेलो एवरीवन, कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फाइला। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड में यूनिट थर्ड यानी फाइला मोलस्का फाइलम के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फाइला यानी फाइला में का या फाइला का जनन तंत्र। फाइला में सेक्सेस अलग अलग होते हैं, लेकिन यह मेल फीमेल की कोई लेकिन यहाँ मेल फीमेल की कोई विशेष पहचान नहीं हो पाती। मेल का सेल छोटा होता है जबकि फीमेल का बड़ा होता है, लेकिन मेल में ओपुलेटरी ऑर्गन विकसित होते हैं जबकि फीमेल्स में सेल बड़ा और ओपुलेटरी ऑर्गन अल्प विकसित होते हैं। बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मेल जनन तंत्र। अगर मेल जनन तंत्र की बात की जाए फाइला के, इसमें ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये कॉइल टेस्टिस होती हैं जो कि टुबुलर पार्ट ऑफ बासल डिफरेंशिया के आइदर साइड पर अटैच रहती हैं, राउंडेड होती हैं और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जो पाचन ग्रंथि होती है उसमें कॉइल होती है और इनकी जो ओपनिंग है बास डिफरेंशिया के द्वारा बास डिफरेंस में होती है। जो टेस्टिस हैं इनसे छोटी छोटी डक्ट निकलती हैं और वो डक्ट किसमें ओपन होती हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ बास डिफरेंस में। जो टेस्टिस को कवरिंग की एक लेयर होती है उस लेयर को बोलते हैं कुटेनियस मेम्ब्रेन, मतलब जो टेस्टिस हैं एक चैम्बर होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर काफ़ी थिन होता है उसको बोलते हैं कुटेनियस मेम्ब्रेन। टेस्टिस छोटे छोटे डक्ट के फॉर्म में किसमें ओपन हुई, डिफरेंशिया के फॉर्म में, डिफरेंशिया किसमें ओपन हुई डिफरेंस में यानी जो बास डिफरेंस है उसमें ओपन हुई। और जो बास डिफरेंस है एक कॉनिकल वेसिकुलर सेमिनलिस के एंड पर ओपन होती है, ये होती है ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ बास डिफरेंस। और जो बास डिफरेंस है इसकी ग्लैंडुलर वो मेल जनरेटर पोर के द्वारा ओपन होती है, ये कहलाता है इसका पेनिस्ट्री और ये होता है पेनिस, ये इसमें ग्रुप डेट होती है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फाइला है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और फाइला के केस में देखा गया है कि इसमें जो स्पर्म है वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के मतलब एक होंगे यूपाइरिन टाइप के और दूसरे होंगे ओलिगोपाइरिन। यूपाइरिन में क्या होगा, इसका जो हेड होता है वो दो पार्ट में इस तरीके से आप देख रहे हैं दो राउंडेड शेप हैं, ये इसका हेड है, ये मिडिल पीस है और ये टेल है, मतलब तीन पार्ट से बटा हुआ टोटल कंप्लीटली देखा जाए तो हेड मिडिल पीस एंड टेल। और जो ओलिगोपाइरिन है वो किसमें है, सिर्फ इसमें सीलिया है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यूपाइरिन जो होते हैं कैसे होते हैं, साइज में 25 माइक्रोन लंबे होते हैं और एक 1.2 से 1.2 माइक्रोन चौड़े होते हैं। ओलिगोपाइरिन ये नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या होता है, मोटाइल मतलब इनमें मूवमेंट देखी जाती है क्योंकि इसमें टेल विद्यमान होती है, टेल की सहायता से वो कर सकते हैं या करते हैं। और जो ओलिगोपाइरिन है, ओलिगोपाइरिन में सीलिया होते हैं इसलिए इसमें मूवमेंट काफ़ी बहुत कम देखी जाती है। इनका साइज की बात करें
तो यूपाइरिन की तुलना में ओलिगोपाइरिन स्पर्म जो है वो साइज में थोड़े लार्ज हैं, बड़े हैं। तो बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ पाइला। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ पाइला, पाइला में निम्न रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते हैं। नंबर वन टेस्टिस, एक सिंगल प्लेट लाइक व्हाइट कलर की ट्राइंगुलर रचना होती है जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के क्लोज एसोसिएशन में पाई जाती है। टेस्टिस एक थिन यानी पतली कुटेनियस मेम्ब्रेन के से कवर रहती है यानी ढकी होती है। यह मेम्ब्रेन टेस्टिस को सेल से अलग करती है। पाइला की टेस्टिस दो प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस करती है, मतलब जो पाइला की टेस्टिस है उससे दो प्रकार के स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। कौन कौन सी टाइप के स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, अभी हमने डायग्राम में बताया था, यूपाइरिन जो कि मोटाइल थे और ओलिगोपाइरिन जो कि नेचर में कहते थे नॉन मोटाइल, मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलते थे। बात करते हैं फर्स्ट टाइप यूपाइरिन स्पर्म। ये छोटे धागे जैसे 25 माइक्रोन लंबे, लगभग 1.2 माइक्रोन चौड़े होते हैं। इनके हेड, मिडिल पीस तथा टेल डिस्टिंक्ट होते हैं। हेड में एक न्यूक्लियस पाई जाती है तथा टेल पर सिंगल सीलियम पाता है। यह मोटाइल होते हैं और अंडों को फर्टिलाइज करते हैं। ओलिगोपाइरिन यह बड़े साइज, बड़े स्पिंडल लाइक, लगभग 32.2 माइक्रोन लंबे तथा 3 माइक्रोन चौड़े होते हैं। इनके टेल पर 4 या 5 सीलिया होते हैं। यह नॉन मोटाइल होते हैं अर्थात यह फर्टिलाइजेशन नहीं करा पाते और शायद कोई दूसरा काम करते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब तो जो मोटाइल वाले स्पर्म हैं वो ही सिर्फ फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं और जो नॉन मोटाइल होते हैं वो फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल नहीं होते हैं। टेस्टिस की ओपनिंग कहाँ होती है, बास्ट डिफरेंसिया में। जो बास्ट डिफरेंसिया होती है इसकी, टेस्टिस से कई पतली पतली बास्ट डिफरेंसिया निकलती हैं जो आपस में जुड़कर एक कॉमन बास्ट डिफरेंस बनाती है। बास्ट डिफरेंस, जो बास्ट डिफरेंसिया थी किसमें ओपन हुई, बास्ट डिफरेंस में। यह टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड से निकलकर नीचे की ओर आ जाती है। इसमें तीन भाग किए जा सकते हैं। इसका पहला भाग पतला ट्यूब लाइक होता है जो कि नैरो होता है। यह पेरिकार्डियम तक पहुंचकर ऊपर की ओर उठ जाता है और सेमिनल वेसिकल में खुलता है। दूसरा भाग वेसिकुला सेमिनलिस कुछ मुड़ा हुआ और फैला फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहीं पर स्पर्म की स्टोरिंग होती है। तीसरा भाग मोटा ग्लैंडुलर पार्ट कहलाता है जो मेल जेनिटल पोर्ट से एनस के थोड़ा पीछे खुल जाता है। नेक्स्ट कॉपुलेटरी ऑर्गन। अगर कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात करें तो मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन या पेनिस एनस के सामने मेंटल के किनारे से निकलता है। यह एक लंबा मजबूत थोड़ा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है। इस
इसका आधा भाग थोड़ा फूला हुआ और दूसरे तरफ थोड़ा पतला होता है। इसकी पूरी लंबाई में एक ग्रूव पाई जाती है, मतलब जो लंबाई है इसमें क्या ग्रूव देखने को मिलती है। इसकी लंबाई कॉपुलेशन के समय लगभग 4 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है, मतलब जब इसमें इंटरकोर्स का टाइम हो रहा होता है या टाइम होता है या फिर इसमें मेटिंग चल रही होती है तो उसमें इसका जो साइज कितना हो जाता है लगभग 4 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। पेनिस की एक सीध में बंद होता है जिसे पेनिस सीध कहते हैं, जो कि एक मोटी ग्लैंडुलर येलो कलर की होती है। नेक्स्ट हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड, यह एक ओबल ग्लैंडुलर संरचना होती है। इसमें कोई डक्ट नहीं पाई जाती, इसलिए इसका सिक्रीशन डायरेक्टली पेनिस की सरफेस पर छोड़ दिया जाता है। तो आज हमने BSc फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया। इसमें हमने आज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से उससे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उसको डिस्कस किया। कल हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला के अंतर्गत ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तब तक